एवरीवन, मैं हूं काजल वर्मा डिवाइन सोल केव में। सो गाइस, टुडे आई एम बैक अगेन विद अनदर प्रेडिक्शन सेगमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड टुडे आई एम शेयरिंग एंजल मैसेजेस फॉर ऑल द ज़ोडियक साइंस विद यू। सो इफ यू वांट टू नो व्हाट एंजल्स वांट्स टू यू नो टेल यू एंड एंजल व्हाट एंजल्स हैव फॉर यू, देन मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड सपोर्ट अस। So let's start with the predictions and guidance. So guys, these are the angel cards, and you know, these cards are as powerful as tarot, and these cards today will tell us about the, you know, different and the oracle guidance. सो हर एक ज़ोडियक साइन के लिए एक एक कार्ड हम पिक करने वाले हैं। सो लेट्स सी कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं फॉर एरीज। सो एरीज के लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, तो फर्स्ट वन इज अबंडेंस। सो एरीज वालों, अबंडेंस जो है वो आपके लिए 2023 लेकर आ रहा है। हर एक तरीके से, हर एक तरफ से यू नो स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस इज कमिंग। एंजल्स आर विद यू, डिवाइन पावर्स आर विद यू। बस आपको अपना यू नो अपने आप पे वर्क करना है, काम रहना है, पेशेंस रखनी है थोड़ी सी, एंड हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। सो ऑल द बेस्ट टू एरीज। सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ फॉर टॉरस यानी वृषभ के लिए। सो वृषभ के लिए एंजल मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं, दैट इज़ परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग मीन्स अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो कि कुछ करना है मुझे, यू नो आप बहुत देर से सोच रहे थे दैट ये काम मुझे करना है, तो वो वाला काम के लिए परफेक्ट टाइम है इन 2023। आप स्टार्ट कर सकते हो उस काम को, जो भी आधे अधूरे काम है उनको फिनिश कर सकते हो इन 2023। सो ये मत सोचिए कि यू नो टाइम कैसा चल रहा है, पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, बट एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत अच्छा टाइम है। एंड अगर आप जो भी मन से अगर आप किसी भी काम को करने का सोचोगे तो वो डेफिनेटली आपको यू नो मिल जाएगा, वो भी वो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा इन 2023। सो गाइज, नेक्स्ट जो है दैट इज़ फॉर जेमिनाइज। सो लेट्स सी जेमिनाइज के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, दैट इज़ नो नीड टू वरी। एंजल्स कह रहे हैं कि आप अगर परेशान हैं, घबराए हुए हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, यू नो बाकियों की ग्रोथ हो रही है बट मेरी नहीं हो रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हमेशा से हमारे माइंड में होते हैं। बट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड इफ़ यू आर फीलिंग स्टक, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी, एंजल्स वॉन्ट टू टेल यू। एंड जो भी चीज़ें होंगी वो वरी कर रही होंगी वो एकदम यू नो रिमूव हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी इन 2023। एंड ट्राई टू let go of everything that is hurting you and that is blocking you and just release all those emotions and 2023 ko ek nayi tarike se nayi shuruaat ke taur pe lijiye for yourself. So all the best to all the Geminis. So the next one is for Cancer, that is Kirk, and let's see angel's guidance kya hai, that is big happy changes. It means big happy changes jo hain wo aane wale hain for Cancers. सो अगर आप सोच रहे हो कि कुछ यू नो प्लान कर रहे थे या कुछ मैरिज के लिए सोच रहे थे या जॉब प्रमोशन के लिए सोच रहे थे, तो वो चीज़ें होंगी इन 2023 डेफिनेटली। सो जस्ट यू नो अपने आप को एक तरह से ढाल लीजिए कि आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें होने वाली हैं। एक्सेप्टेंस मोड ऑन कर लीजिए एंड वेलकम कीजिए ये सारे चेंजेस जो भी होने वाले हैं आपकी लाइफ में, एंड अपने आप को एकदम प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज चेंजेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेके आते हैं। तो नए काम, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए बी रेडी इन 2023। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंसर्स। सो लेट्स सी लियोस, नेक्स्ट इज लियो। तो लियो के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या गाइडेंस है, एंड दैट इज इम्प्रूविंग हेल्थ। यू नो लियो जो है, अगर वो हेल्थ से परेशान थे या फिर कुछ भी प्रॉब्लम थी रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू बॉडी, माइंड, यू नो इमोशंस, वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी इन 2023 स्पेशली। जस्ट यू नो आपको अपनी इनर पावर्स, इनर स्ट्रेंथ को यू नो आपको अपना इनर स्ट्रेंथ्स जो हैं उनके बारे में जानिए एंड पहचानिए कि आपको
क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे कैसे आप ना ठीक हो सकते हैं इमोशनली फिज़िकली, यू नो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बॉडी जो है वो हेल्थ को प्रायोरिटी देने के लिए बोल रही है, तो प्लीज़ उसको प्रायोरिटी दीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, जिम जाइए, हेल्थ वर्कआउट्स कीजिए, सो दैट आपकी बॉडी जो है वो इम्प्रूविंग स्टेज पे आने शुरू हो जाए। इट मीन्स आप साइंस जो है वो समझिए, बॉडी क्या चाहती है, माइंड क्या चाहता है, एंड उस हिसाब से अपने काम अपनी लाइफ को जिए। सो 2023 आपके लिए हेल्थ वाइज अच्छा रहने वाला है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द डियोज। सो नेक्स्ट जो प्रिडिक्शन है, जो गाइडेंस है, दैट इज़ फॉर वर्गो। लियो के बाद वर्गो यानी कन्या। सो लेट्स सी क्या मैसेज है फ्रॉम डिवाइन एंजल्स। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। वर्गोज आप ऐसे होगी सारा काम में खुद ही करी जा रहे हो, यानी सारा काम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही निभाई जा रहे हो, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो या फिर फेडअप हो गए हो या यू नो खुद अफेक्ट हो रहे हो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्ट्रेसेस। सो अगर आपको मदद की ज़रूरत है, अगर आपको यू नो हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ शर्माइए ना, जिनका भी सपोर्ट चाहिए उनसे जाके ज़रूर मदद लीजिए। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स बिकॉज अभी आपको हेल्प की ज़रूरत है। एंजल्स कह रहे हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, बट क्या आप खुद अपनी हेल्प करने के लिए रेडी हो? तो बहुत सारे लोग होंगे जिन पे आपको ट्रस्ट होगा, तो उनके साथ अपनी बातें, अपने जो भी आप फीलिंग्स हैं वो शेयर कर सकते हो, एंड आपके जो यू नो जो लाइफ में जो लोग हैं, जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं, उनसे अगर मदद मांगोगे तो वो मिल जाएगी इन 2023। ऑल द बेस्ट टू ऑल द वर्गोस। सो सिक्स जो है जोडिक साइंस हमने कवर कर लिए हैं गाइज। सो नेक्स्ट हमारे पास गाइडेंस है फॉर लिब्रास। सो लिब्रास के लिए चेक करते हैं कि क्या कह रहे हैं एंजल्स इन द नियर फ्यूचर। यानी अगर आपका कोई क्वेश्चन था कि मेरा ये काम कब होगा, कब सेटल होंगी, कब शादी होगी, कब ये होगा, तो सबका जवाब है इन द नियर फ्यूचर। यानी फ्यूचर में वो चीज़ें होने वाली हैं, सक्सेस आपको मिलने वाली है, स्पेशली मैरिज रिलेटेड या कोई पार्टनरशिप कर रहे हो उसमें वाकई सक्सेस आपको नियर बाय फ्यूचर में यानी 2023 में डेफिनेटली मिलेगी। सो एंजल्स आर विद यू, एंड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसका आंसर यही है इन द नियर फ्यूचर। सो अगर कुछ भी ब्लॉक्ड है यहाँ पे, तो 2023 में वो क्लियर हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द लिब्रास। सो नेक्स्ट इज फॉर स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो के लिए आई पिक दिस कार्ड, एंड वो कह रहे हैं यू आर रेडी। सो स्कॉर्पियोज अगर आपको था कि यू नो मेरा काम ये होगा, या मैं क्या प्रिपेयर हूँ, क्या मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ, क्या मैं जॉब कर सकती हूँ, क्या मैं चीज़ें ये कर सकती हूँ, सेल्फ डाउट की जो भी फीलिंग्स थी आपके अंदर, वो चीज़ें जो हैं निकाल दीजिए, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू फेस द वर्ल्ड इन 2023। इट मीन्स आपने जो भी सीखना था, जो भी सेल्फ ग्रोथ करनी थी, जो भी चीज़ें आपने गेन करनी थी, वो कर चुके हो। नाउ इट्स टाइम टू फेस द वर्ल्ड। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्कॉर्पियोज। सो नेक्स्ट इज़ फॉर सेजिटेरियस, यानी जिनकी भी धनु राशि है, दैट इज़ सेजिटेरियस के लिए आ रहा है आस्क योर एंजल्स। वाओ, दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। इट मीन्स आपको कुछ भी चाहिए, आपको वो नहीं मिल रहा, आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों के लिए, बट आप भूल गए हो दैट एंजल्स आर विद यू। आपने एंजल्स की हेल्प मांगी ही नहीं है, तो वो आपकी हेल्प कैसे करेंगे? कुछ भी चाहिए, कहीं पे भी ब्लॉक्ड हो, कहीं पे भी स्टक हो, 2022 में जो काम नहीं बने हैं वो 2023 में तैयार बैठे हैं फुलफिल होने के लिए। बट आपको अपने एंजल से मदद लेनी है, अपने गॉड से मदद लेनी है, यूनिवर्स से शेयर कीजिए वट एवर योर गोल्स आर, वट एवर विजन्स यू हैव, उनको शेयर करोगे, हेल्प मांगोगे, तो डेफिनेटली वो हेल्प मिलेगी एंड काम भी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द सेजिटेरियस। एंड नेक्स्ट वन इज़ फॉर कैप्रिकॉन्स। लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉन्स। पीसफुल रेजोल्यूशन मीन्स बहुत ज़्यादा क्योस में
जो कैप्रिकॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्योस में हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, क्योस, एंग्जाइटी, परेशानी, उसमें फंसे हुए थे एंड खुद के ऊपर कोई ध्यान नहीं था, अपनी पीसफुल जो लाइफ है वो भी आपकी डिस्टर्ब हो चुकी थी है एक 2022। तो 2023 में सबसे पहला रेजोल्यूशन है पीसफुल रेजोल्यूशन, यानी लाइफ में शांति चाहिए, नो पीस चाहिए। ट्राई टू डू मेडिटेशन एज मच एज यू कैन एंड रेजोल्यूशन भी आपको लेने पड़ेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं, उन चीज़ों को आपको कट डाउन करना पड़ेगा सो दैट लाइफ में एकदम से शांतिमय जीवन आप बिता सके इन 2023 एंड पीस रहे, कामनेस रहे, ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं, ब्यूटी है लाइफ की, वो जो ब्यूटी है वो आप एक्सपीरियंस कर सको। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैप्रिकॉन्स एंड नेक्स्ट वन इज़ फॉर एक्वेरियस। यस, तो आपके लिए सुपर 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 यस कार्ड आया है। सो ये कार्ड कहना चाहता है कि कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, हर एक आंसर यस है। इट मीन्स कुछ करना चाहते हो कर सकते हो, कुछ बनाना चाहते हो बना सकते हो, कहीं न्यू जॉब शिफ्ट करना चाहते हो वो भी हो सकती है, मनी अबंडेंस चाहिए वो भी आ सकती है, मैरिज चाहिए वो भी मिल सकती है, मतलब एवरीथिंग वट एवर यू डिज़ायर टू हैव इन 2023 वो चीज़ें आपके पास आ सकती हैं खुद के दम पे एंड अपनी मेहनत से। सो यस कार्ड इज़ फॉर यू एंड बहुत जल्दी गुड न्यूज़ भी 2023 में आपको मिलने वाली हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एक्वेरियस एंड लास्ट जो है दैट इज़ फॉर पाइसिस। सो पाइसिस के लिए आया है लेट गो। सो लेट गो क्या है? इट मीन्स दैट बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस बनी हुई हैं, जो यू नो ब्लॉक्ड कर रही हैं आपको सेल्फ ग्रोथ से। सो उन चीज़ों को लेट गो करना है, यानी लेट गो उन सारी चीज़ों को करें जो चीज़ें परेशान कर रही हैं, जो आगे नहीं बढ़ने दे रही, कुछ ऐसे लोग जो डिस्टर्ब कर रहे हैं लाइफ को, प्लीज़ रिलीज ऑल ऑफ दोज थिंग्स बिकॉज वो इमोशनल, फिजिकल, मेंटल ब्लॉकेज आपकी लाइफ में लेके आते रहेंगे। सो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, उन चीज़ों को लेट गो करोगे, उन पुरानी चीज़ों को बाहर निकालोगे तभी नई चीज़ों के लिए आपकी लाइफ में जगह बनेगी। सो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए पाइसेस एंड This is the angel guidance for you. So guys, ये सारी angel predictions जो थी, angel guidance जो थी for all the 12 zodiac signs I have shared with you. So इस angel guidance को अगर आप follow करते हो तो angels definitely आपके साथ रहेंगे, आपकी मदद करेंगे। So guys, ये थी 12 zodiac signs के लिए angel guidance on my YouTube channel. And if you like this video, then don't forget to you know subscribe my channel and मैं आऊँगी अब नई वीडियो लेके आप सबके साथ। Till then take care and have a wonderful new year and हमारी तरफ से blessings, love, light to all of you.